छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के इतिहास में पहली बार 40 सालों के बाद पुरानी बस्ती स्थित दूरी हटरी में भगवान जगन्नाथ के लिए नया रथ तैयार किया जा रहा है। इस बार रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा नए रथ में सवार होकर शहर भ्रमण करेंगे। वर्तमान में जिस रथ में भगवान की यात्रा अलग निकाली जाती है वो 40 साल से भी पुराना है। हर साल मरम्मत के बाद इस्तेमाल किया जाता है और वर्तमान में रथ भी खराब हो चुका है और इसके कारण मंदिर प्रबंधन ने नया रथ तैयार करने का फैसला किया है। वही खास बात यह है कि भगवान के रथ को इस बार मुस्लिम कारीगर हबीब खान और उनके बेटे रियाज खान बना रहे हैं। और रथ को लेकर हबीब खान से बात की हमारे संवाददाता ने, सुनिए जरा। 7 जुलाई को रथ यात्रा है और पूरी राजधानी रायपुर कहीं ना कहीं भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हुए भी दिखाई देगी, लेकिन इस बार राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित जगन्नाथ मंदिर में जो रथ निकलती है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। ये मंदिर है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है और बड़े दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचते हैं और ठीक बगल में ये रथ दिखाई दे रहा होगा। इस रथ की खासियत ये है कि 40 साल बाद रथ में बदलाव किया गया है। नया रथ जो है वो इस बार राजधानी रायपुर वासियों को देखने को मिलेगा और इसी रथ पे भगवान जगन्नाथ जी भी सवार होकर के रायपुर वासियों को कहीं ना कहीं आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे। रथ बनाने वाले कारीगर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले तो आप अपना नाम बताइए। हबीब खान नाम है मेरा। अच्छा, ये कब से बना रहे हैं खान साहब ये रथ? ये हम बना रहे हैं 19 अप्रैल से बना रहे हैं और करीब 1 महीना हो गया लगभग, और अभी इसमें 15 से 20 रोज और लगने को उम्मीद है जी। अच्छा, क्या बदलाव क्या रहेगा? ये नया रथ तैयार हो रहा है, इसकी क्या खासियत रहेगी, क्या क्या चीज़ें रहेगी इसमें? पहले से जो है बहुत अच्छा सिस्टम से बन रहा है। एक तो स्टेयरिंग है, टाइम टेबल जिसको बोलते हैं, पावर स्टेयरिंग है, ये जिधर चाहें उधर मोड़ सकते हैं हम इसको, आए दाएँ बाएँ तक तैयार हो जाएगा। ये 15 से 20 रोज और लगेगा। 15 से 20 दिन बाद रथ पूरी तरह तैयार हो जाएगा। यहाँ के आप यहीं के रहने वाले हैं सर? यहीं के रहने वाले। अच्छा, ये 40 साल बाद रथ में बदलाव देखने को मिल रहा है, नया रथ अब राजधानी में 7 जुलाई को देखा जाएगा, कैसा देखते हैं आप? बहुत अच्छा है। और पहले क्या है कि एक आध दो घटना भी हो जाए, रथ बड़ा था और निकलने में भी थोड़ा से धक्के में इधर उधर में वो थोड़ा हर साल रिपेयरिंग मांगता था। और फिर वही दुर्घटना के कारण जो सदर बाजार जो चले रहा था, हर साल के सदर बाजार से कोतवाली होते हुए ऐसा पूरा एरिया गया है, तो वही दुर्घटना कारण वहाँ बंद कर दिए गए। रथ निकलती है तो दूर दूर से आस पड़ोस के भी गांव से आते हैं, बहुत भीड़ रहता है, दूर दूर से आते हैं, दुकान भी लगता है, मेला वेला टाइप का लगता है, हर चीज़ का वो रहता है, दूर दूर से भी आते हैं, गाँव से भी आते हैं, गाँव देहात नदी के उस पार है, कहाँ से आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये स्थानीय हैं, यहाँ के रहवासी हैं, लेकिन रथ 40 साल बाद बदला जा रहा है और राजधानी रायपुर वासी ही नहीं बल्कि आसपास के जो लोग जो रथ यात्रा को लेकर के आते हैं उन्हें अब नया रथ में कहीं ना कहीं भगवान जगन्नाथ सवार होकर के सभी को दर्शन देते हुए 7 जुलाई को नजर आएंगे। कैमरा पर्सन सुनील सनूडिया के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, रायपुर।